हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर रहा था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन 2 है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलीनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलीनोमियल बाय फर्स्ट पॉलीनोमियल। और वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 3, यानी ये फर्स्ट पॉलीनोमियल है और सेकंड है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 2। तो हमें जब इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी अब हमने 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 को जब t² माइनस 3 से मैं डिवाइड करता हूँ तो पहला क्वाड्रेंट हमारा आता है 2t²। जब 2t² को मैं t² से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी वैल्यू मिलती है 2t⁴, क्योंकि 2 और 2 मिलके 4 हो जाता है। सिमिलरली हम यहाँ पर 2t² को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6t² मिलता है। तो यहाँ पर है फर्स्ट वैल्यू में हमने देखा था कि माइनस 2t², तो उसके ठीक नीचे मैंने लिखा माइनस 6t², ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2t⁴ से 2t⁴, ये सब टेक हो जाता है। बचा क्या, यहाँ है 3t³, ये मैंने यहाँ नेक्स्ट स्टेप के लिए रिप्लेस किया और ये माइनस माइनस था इसलिए साइन प्लस का लगता है। तो माइनस 2 और प्लस 6 होने पर वैल्यू हमें मिली 4t² माइनस 90 और माइनस 12, इसको मैंने यहाँ रिप्लेस कर लिया। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि 3t³ है, तो जैसे बात है हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिससे कि 3t³ आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया प्लस 3t। तो जब 3t को मैं t² से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू बनती है 3t³। अब जब 3t को मैंने 3t को मैंने माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू हो गई 3 3 90, यानी माइनस 90। तो 3t³ से 3t³, ये सब टेक हो गया। वैल्यू बची जो रिप्लेस करती है नीचे अगले स्टेप के लिए, वो होती है 4t² और यहाँ माइनस माइनस प्लस। तो जैसी बात है कि 90 से 90 पूरा कट गया, तो बचा क्या माइनस 12। तो अब यहाँ नीचे बचा है 4t² माइनस 12। तो हमें ध्यान देना कि 4t यहाँ पर है और ये क्वाड्रेंट में केवल t² दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर हमें केवल t² दिख रहा है, अगर हम क्वाड्रेंट की जगह 4 ले लेते हैं तो ये 4t² यहाँ फॉर्म कर जाएगा। तो 4t² और माइनस 4 3 12, तो ये हम देखते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और क्वाड्रेंट हमें मिला 2t² प्लस 3t + 4। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर इज जीरो, हेंस t² माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 होता है। जब क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं सेकंड पार्ट देखता हूँ जो कि है x² + 3x + 1, ये फर्स्ट पॉलीनोमियल और सेकंड पॉलीनोमियल है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x + 2। तो फर्स्ट से जब सेकंड को मैं डिवाइड करता हूँ, यानी 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x + 2 को मैं डिवाइड करता हूँ x² + 3x + 1 से। तो जैसी बात है यहाँ x² है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3x² क्वाड्रेंट में लिया। तो 3x² × x² करने पर 3x⁴ बन गया। अब मैं लेता हूँ 3x² × 3x, तो 3 3 9 हो गया और x² और x मिलके 9³ हो गया। सिमिलरली यहाँ पर +1 × 3x² मैंने किया तो 3x² यहाँ पर हमें मिल गया, ठीक है। तो 3x⁴ से 3x⁴ यहाँ पर सबट्रैक हो गया, यानी ये वैल्यू कट गई। अब यहाँ पर दिखता है +5x³ और +9x³। तो जैसी बात है साइन हमारी रिप्लेस करेगी माइनस के लिए, तो 5 में से जब 9 को मैं माइनस करूँगा तो वैल्यू मुझे मिलेगी -4x³। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि माइनस और प्लस है तो साइन हमारी रिप्लेस होती है माइनस की। अब माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, लेकिन साइन हम पुट करते हैं माइनस का ही। तो 7 + 3 यानी -10x² प्लस 2x और प्लस 2 को मैंने यहाँ रिप्लेस किया अगले स्टेप के लिए। अब हमें जो वैल्यू मिली वो है -4x³ और यहाँ पर दिख रहा है x², इसलिए मैंने यहाँ पर -4x लिया। तो -4x × x² करने पर मुझे वैल्यू मिल गई -4x³।
सिमिलरली 4x को जब मैंने 3x से माइनस 4x को x को जब मैंने 3x से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई माइनस 10x का स्क्वायर, और जब 1 को मैंने 4x से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिल गई माइनस 4x। तो यहाँ पर 4x का पावर क्यूब और माइनस 4x का पावर क्यूब से माइनस 4x का पावर क्यूब ये कम्प्लीटली कट गया, यहाँ माइनस और माइनस है इसलिए प्लस बनता है साइन, तो बचा क्या, नीचे प्लस का साइन हो गया। तो 10 माइनस 12 तो 12 का साइन क्योंकि प्लस का साइन हो चुका है इसलिए बचा क्या 2x स्क्वायर बचा, और प्लस यहाँ पर 2x प्लस 4x तो 6x और प्लस 2 ये मैंने रिप्लेस किया। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि 2x स्क्वायर है और यहाँ पर केवल x स्क्वायर दिख रहा है इसलिए मैंने प्लस 2 को लिया क्वाड्रेंट में, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर करने पर 2x का स्क्वायर आ गया, 2 इंटू 3x करने पर 6x आ गया, और 2 इंटू 1 करने पर 2 आ गया। तो इस तरह से हमारी ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर कट जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर में क्या मिला, सिंस रिमाइंडर इज जीरो, तो जब रिमाइंडर हमारी जीरो हो गया जैसी सी बातें हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पॉलीनोमियल है एक्स का पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और सेकंड पॉलीनोमियल है एक्स का पावर 5 माइनस 4x का पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सिंपली जब मैंने यहाँ डिवाइड किया एक्स का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से, तो जैसी बात यहाँ मैं एक्स का पावर 5 देख रहा है इसलिए मैंने क्वाड्रेंट में एक्स स्क्वायर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब करने पर एक्स का पावर 5 हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x, तो अब क्या मिलेगा, माइनस 3x का पावर क्यूब मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 करने पर हमें वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 5 से एक्स का पावर 5 यहाँ पर कट गया, यहाँ आप देख रहे हैं माइनस 4x क्यूब है और यहाँ माइनस 3x का पावर क्यूब है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें से सबट्रैक्ट किया तो बचा क्या, एक्स क्यूब सबट्रैक्ट हो गया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये भी कंप्लीट कर चुका है, बचा क्या, नीचे की वैल्यू जो रिप्लेस होती है वो है प्लस 3x और प्लस 1, यानी अब अगले स्टेप के लिए जो वैल्यू हमें मिलती है वो है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो मैंने यहाँ पर जब देख मुझे नज़र आया कि यहाँ एक्स क्यूब है तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने माइनस 1 ले लिया एज ए क्वाड्रेंट, तो माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब करने पर हमें मिल गया माइनस एक्स क्यूब, माइनस 1 इंटू माइनस 3x करने पर हमें मिल गया प्लस 3x, और माइनस 1 इंटू 1 करने पर मिल गया माइनस 1। जाहिर सी बात है कि सारी वैल्यू यहाँ से माइनस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कट गया, 3x से 3x कट गया, लेकिन यहाँ पर प्लस 1 था यहाँ माइनस था, तो जाहिर सी बात है हमारी जो साइन रिप्लेस कर रही हो प्लस की होगी, तो ये 1 प्लस 1 यानी 2, तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 बच गया। तो जब रिमाइंडर हमें 2 मिल गया यानी नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इसका फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 2 के इस थर्ड पार्ट के साथ आज के इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।